करने के लिए। धन्यवाद जी। कैलाश चंद्र मेघवाल। माननीय सभापति महोदय, बहुत गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। संशोधन एक छोटा है लेकिन व्यापक उसके असर है। मैं माननीय सभापति महोदय मूल रूप से निर्वाचित सदनों में मनोनीत करने के खिलाफ, देश में कहीं भी इस स्थिति में नहीं है। आपकी लोकसभा में दो मेंबर मनोनीत होते हैं, उसकी एक विशेष परिस्थिति है एंग्लो इंडियंस की, लेकिन इसके बाद मनोनयन कहीं नहीं होता। मनोनयन विधानसभा में भी हो सकता है अगर आप कानून ले आओ तो। आपके यहाँ मनोनयन की स्थिति है, एक व्यक्ति ऐसा है जो विधायक न होते हुए भी विधानसभा में आकर अपनी बात कह सकता है, वह है एडवोकेट जनरल। उसके अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता, नहीं तो विशेषाधिकार लग जाएगा, सजा भी हो सकती है। तो मैं माननीय सभापति महोदय ये इस बात के लिए कह रहा हूँ, मैं ये इस बात के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये लोकतांत्रिक मर्यादा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको आप नॉमिनेशन से पर चरित्र बदलना चाहते हैं, ये देश में नहीं चल सकता, राजस्थान में नहीं चल सकता, इसमें नहीं सकता। माननीय सभापति महोदय, इसलिए राज्यसभा में हंगामा होता है उसका असर नीचे तक नहीं आता, लोकसभा में हंगामा होता है उसका असर भी नीचे नहीं आता, इस विधानसभा में हंगामा होता है उसका असर भी नीचे तक नहीं जाता, लेकिन नगर पालिकाओं, नगर परिषद, नगर निगमों में जो हंगामा होगा उसका असर नीचे तक जाएगा और उसके बाद लोगों का लोकतंत्र में विश्वास कम होता चला जाएगा, जो स्थिति आज बन रही है। माननीय सभापति महोदय, आज लोकतंत्र कहाँ खड़ा है? धनतंत्र, बाड़ेबंदी तंत्र, और ये धनतंत्र और बाड़ेबंदी तंत्र जिस तरह से लोकतंत्र को खा रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम आज राजस्थान की सरकार कर रही है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने बड़े दम्भ शब्दों में कहा कुश्ती लड़ लेंगे, ये लड़ लेंगे, ये नहीं है। ये माननीय मंत्री महोदय सुन लीजिए आप, राजस्थान में घर घर हर जगह हंगामा पैदा करने की स्थिति आप कर रहे हो। इस संशोधन से नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में, नगर निगम में हंगामे की स्थिति पैदा होगी और हंगामे की स्थिति के कारण कामकाज तो कुछ होगा नहीं, लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठेगा और जो लोकतंत्र धीरे धीरे तिरोहित हो रहा है, जो लोकतंत्र धनतंत्र में आगे जा रहा है, जो लोकतंत्र बाड़ेबंदी तंत्र के बीच में जा रहा है, उस लोकतंत्र को आप फिर से जो है ज़्यादा बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। निर्वाचित सदनों में क्या लाभ है मनोनीत सदस्यों का? विशेष योग्यता वाले, विशेष योग्यता वाले हर जगह हैं। आपके लोकसभा में भी आप विशेष योग्यता के नाम पे नॉमिनेशन क्यों नहीं करा देते? क्यों, आखिर है क्या है? नगर पालिका चाहेगी, उनके इंजीनियर भी होते हैं, आपके यहाँ अधिकारी भी होते हैं, हर विषय पर वो कहीं से भी राय ले सकती है, लेकिन ये संशोधन करके और आप निश्चित रूप से हंगामे की स्थिति पैदा करने की ओर जा रहे हैं। और एक साथ मैं कहना चाहता हूँ, इसमें राजनीति छिपी हुई है। माननीय सभापति महोदय, राजनीति क्या छिपी हुई है? आजकल पार्षदों को तनख्वाह मिलती है। अब ये जितने नॉमिनेटेड सदस्य होंगे, चाहे नगर निगम के होंगे, चाहे नगर परिषद के होंगे, चाहे नगर पालिका के होंगे, ये नॉमिनेटेड सदस्य, चाहे हमारी राज होगा तो हम करेंगे और आज कांग्रेस का राज है तो शांतिलाल जी धारीवाल करेंगे, माननीय मंत्री जी, और ये जो फौज खड़ी होगी वेतनिक कर्मचारियों की, ये सारे पार्षद पार्टी के वैदिक कर्मचारी होंगे और इसलिए राजनीति का चरित्र बिगड़ेगा इससे। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि स्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आखिर क्यों आपने जो मनोनीत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कहां पड़ी, किसने मांग की? आपने लिखा है जनता की मांग, जनता की मांग तो कहीं हुई नहीं, हमने कहीं कोई प्रस्ताव सुना नहीं, हमने कहीं पर किसी तरह की आवाज़ सुनी नहीं, ये कौन सी जनता की मांग थी ये हमको मालूम क्या है? शांत रहे। मैं इसको राजनीति नहीं लेना चाहता, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मांग की या जनता पार्टी ने मांग की, मैं ये कहता हूँ कि किसी की मांग नहीं है, ये आपकी कल्पना है क्योंकि आप राजनीति का चरित्र बदलना चाहते हैं और लोकसभा नगर पालिका नगर परिषद और नगर निगम में आप इस स्थिति की पैदा करना चाहते हैं जिससे आपका सर्वत्र राज्य स्थापित हो जाए। कोई काम नहीं होगा, कैसे होगा आप बताओ,
चरित्र बदलेगा, और चरित्र नहीं बदलने के साथ जैसे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि दो आदमी काफी है कुश्ती पैदा करने के लिए, और तो ये 8-8 सच्चे शास्त्रार्थ जो बाहर से जाएंगे वो आपके निर्देश पर हंगामा जरूर करेंगे, क्योंकि सफल नहीं होना देना चाहते। आज मुझे अफसोस है ये बात कहने की, देश का लोकतंत्र जिस दिशा में जा रहा है उसमें लोकतंत्र की सफलता के प्रयत्न कम हो रहे हैं, लोकतंत्र को बिगाड़ने के प्रयत्न ज्यादा हो रहे हैं। चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, वहां पर जिस तरह की अमर्यादित जो है बातें आज हो रही है, उनके आधार पर क्या लोकतंत्र में विश्वास रहेगा लोगों का? आज भी सारे राजस्थान में देख लो, सारे देश में देख लो, एक बात जगत चर्चा में है, जगत चर्चा में, कि धन का बहाव बहुत बढ़ गया। चुनाव लड़ने के लिए धन का बहाव बढ़ गया, चुनाव में आने के लिए भी धन का बहाव, और ये मनोनीत होंगे माननीय मंत्री महोदय, ये मनोनीत होंगे, इसमें धन का बहुत बड़ा रोल होगा, चाहे आप करें चाहे कोई भी करे, लेकिन धन का आज की जिस स्थिति में टिकटों के लिए जिस तरह का हम सुनते हैं राजनीति में, टिकटों के लिए, टिकटों के दिलाने के लिए जिस तरह की आज की स्थिति है, वो आज मनोनीत तो सीधा बिना फर्ज किए, अब ठीक है जब विशेषाधिकार है कि भाई आपको जो है ये लोकतंत्र में वोट तो दे ही नहीं सकते, जब वोट नहीं दे सकते और अपनी राय दे सकते, ये मुझे विरोधाभास जो है लगता है, वोट तो दे नहीं सकते, राय दे सकते, ये कौन सी स्थिति है? इस स्थिति से आमना सामना कैसे होगा? वोट देने का अधिकार नहीं और राय देने का अधिकार, उस राय पे वोट देने का अधिकार नहीं, ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि सही है कि लोकतंत्र इनको मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन मत देने का ही अधिकार नहीं है तो अपनी राय, ये अभी एक बात उठी विशेष योग्यता, विशेष योग्यता तो मेरे में भी है, आप में भी है, विशेष योग्यता के लेकर यहाँ बैठे हैं सब, किसी न किसी विशेष योग्यता के, लेकिन हमारी विशेष योग्यता को असिस्टेंस मिलता है ब्यूरोक्रेसी से, ब्यूरोक्रेसी में हर स्तर पर आपको विशेष योग्यता वाले अधिकारी मिल जाएंगे जो आपको राय देंगे, आपकी नीतियाँ बनाने में राय देंगे, लेकिन वहाँ तो सीधी सीधी कौन सी विशेष योग्यता चाहिए? इंजीनियर होता है छोटे मोटे काम, नीतियाँ नहीं बनती है। माननीय सभापति महोदय, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में नीतियां नहीं बनती है, विशेष योग्यता वहां चाहिए जो नीतियां बनती है, वहां तो अधिकारी चाहिए। जिस तरह के अधिकारियों की चर्चा आज राजस्थान में चल रही है, आपने राजस्थान स्वायत्त सेवा अधिकारी वर्ग को कायम किया है, मैं चाहता हूँ उसको मजबूत कीजिए, उसी में होगा सब। यहाँ हमारे विधानसभा में एक सेक्रेटरी रहते हैं, सारी विधि स्थिति वो बताते हैं, और मैं विनम्रतापूर्वक आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो विधि बनाने की प्रक्रिया है उसमें संशोधन विधायक का अधिकार है। अभी ना मालूम किस कारण से आपने थोड़ा परिवर्तन करना चाहा, एक प्रोटेस्ट हुआ, वो सही हुआ, क्योंकि विधि बनाने की प्रक्रिया में विधायक का अधिकार है, अगर कौन बोलेगा कौन नहीं ये उस समय तय होता है कि कौन संशोधन देगा कौन नहीं, पार्टी स्तर पर संशोधन दिया तब तो ठीक है, बाकी जो भी विधि बनाने की प्रक्रिया में संशोधन देगा उसका अधिकार है कि वो बोले, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और इसलिए आपने ठीक समय पर वापस स्थिति संभाल ली, इसलिए आपका धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने अभी कहा कि ये लोकतंत्र की अंतिम कड़ी है, और लोकतंत्र में विश्वास तब जमेगा जबकि जन नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में ठीक ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था का काम चलना चालू हो, वो नहीं होगा तो विश्वास उठेगा, जब नीचे लोकतंत्र में विश्वास उठेगा तो ऊपर भी उठेगा, ऊपर भी उठेगा तो आगे भी उठेगा, और ये आज जो स्थिति पैदा हो रही है उस स्थिति में हमको संभल संभल के एक एक कदम वो संभल कर करना है जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, और चुने हुए सदनों में मनोनीत का मैं विरोध करता हूँ। मैं इस मामले में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय जरा गंभीरता से विचार करो, अच्छा सेमिनार बुला के अच्छे राजनीतिक विद्वानों को, अच्छे राजनीतिक जानकारों को, कि ये मनोनयन की प्रथा जो हमने डाली है क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अतिक्रमण है, और ये अतिक्रमण करने की जो स्थिति आज पैदा हुई है वो राजनीतिक दृष्टि से पैदा हुई है, और ऐसी राजनीति करने से आप अपने आप को पीछे लें, यही मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय, और इसलिए इसको लोकमत को, इस संशोधन विधेयक को मैं लोकमत जानने के लिए प्रस्तावित करने का प्रस्ताव करता हूँ। श्री अविनेश महर्षि।